एवरीवन, दिस इज सविताश ना, योर मैथ्स एजुकेटर, एंड वेलकम टू द सेशन. बच्चों, आज पता हम क्या करने वाले? आज हम करने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3. हाँ जी, चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एक ही बार में, एक ही सेशन में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. और सबसे अच्छी बात कि ये चैप्टर इतना आसान है ना कि आपको पूरा मजा आने वाला है. आपको लगेगा, अरे मैम ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, हमने बहुत ही कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर ही समझ लिया. तो बच्चों, रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए. अपना पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ. मैं जो भी आपको क्वेश्चन दूँ, साथ साथ करने हैं. कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है. और अगर मेरा लेक्चर या मेरा सेशन अच्छा लगा है बच्चों, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना है ना. और जिन बच्चों ने अभी तक भी कोई प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो बच्चों आपको इन सब्सक्रिप्शन से बहुत सारे फायदे मिलते हैं. और आपको अगर लेना है 10% ऑफ इन सारे सब्सक्रिप्शन पर, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, SAVITA, सविता. हाँ जी, आई एम योर सविता मैम ना, तो आप मेरा नाम का कोड यूज कर सकते हो, SAVITA, टू गेट 10% ऑफ. अब आ जाते हैं बच्चों, जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हो उनको बता दूं कि मेरा नाम है सविता अंजना. और बच्चों, मैंने MSc और PhD किया है मैथ्स में. आपको पढ़ाने से पहले मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया. करीबन 10 साल से मैं बच्चों को पढ़ाते हुए आ रही हूँ. और ये पेपर पढ़ते हो ना, मैथ्स पढ़ते हुए मुझे 25 साल हो गए. 25 साल से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ. तो मतलब आप समझ सकते हो कि मैम आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने वाली है. तो बच्चों, अगर आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लगती है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, कोई भी चीज़ समझ ना आए, तो क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताओ. तो अब आ जाते हैं बच्चों, जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर के बारे में. तो बेटा, इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. मतलब हम ज्योमेट्री से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? कोऑर्डिनेट, आपने कोऑर्डिनेट पहले सुना है कहीं? जैसे हम कहें, अरे अपने कोऑर्डिनेट बताओ. कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन बताओ, है ना? तो कोऑर्डिनेट इज मोर अबाउट लोकेशन. और इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे आप किसी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हो. ये सारी चीजें हम यहीं से सीखेंगे. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्लास 9th में आता है ये, फिर क्लास 10th में आता है, क्लास 11th एंड क्लास 12th. तो आप सोचोगे लगातार 4 क्लासेस में ये एक टॉपिक आने वाला है, तो कितना बड़ा टॉपिक है और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो क्योंकि ये पहली बार हम पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना. जो आज आप पढ़ोगे वो अगली क्लास में जाके यूज होगा. और ये एक बार पक्का कर लिया तो नेक्स्ट क्लास में तो आपकी जीत बिल्कुल पक्की निश्चित है, क्योंकि आपके बेसिक स्ट्रांग है. मैथ्स जरूरी, मैथ्स में पता है आपका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट कब बनेगा और कब आपको मैथ्स अच्छे से समझ आएगा? जब आप छोटी छोटी चीजें, जो छोटी क्लासेस में जो चीजें ना सारी समझते चले जाओगे, मैथ्स आपको लगेगा कि इतना आसान है. मैम आप देखोगे, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये वाली समझ आ गई ना, तो जब आप 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करोगे तो आप कहने वाले हो, मैम ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें तो बस थोड़ा सा और ऐड कर दिया है. हाँ जी, तो मैथ्स में यही होता है बच्चे, बेसिक्स करते चलो, उसके ऊपर अपने आप बिल्डिंग बनती चली जाती. तो यही हम करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, अपने बेसिक्स, अपने रूट स्ट्रॉन्ग करने वाले. तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 मेरे साथ, यानी कि सविता के साथ. तो सबसे पहले आ जाते हैं बच्चों, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या हम पढ़ने वाले और कैसे पढ़ने वाले. तो ये एग्जांपल देखो, आप और आपके फ्रेंड दोनों बैठे हुए हो. आपने क्या किया, अपनी नोटबुक में ना एक पॉइंट ले लिया, ठीक है? आपने क्या किया बच्चे, यहाँ पे एक पॉइंट दिखा दिया. और आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, अरे तुम भी ना अपने नोटबुक में ऐसे ही पॉइंट बनाओ. तो आपका फ्रेंड कहेगा, कहाँ पे बनाओ, लोकेशन तो बताओ. तो आप कहोगे, अरे नहीं यार, नीचे से बीच है ना, पेपर के बीच में से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना दो या थोड़ा सा नीचे की तरफ बना दो. तो आपका फ्रेंड हो जाएगा कंफ्यूज, या आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं यार ऐसे तो बात नहीं बन रही है, कुछ अच्छी तरीके से समझाओ. तो मैंने क्या किया, मैंने बोला अरे काम करते हैं ना, नीचे से ना 10 सेंटीमीटर ले लो, नीचे से 10 सेंटीमीटर पे, और ये जो साइड में ना नोटबुक के साइड से 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ले लो. तो आपने क्या किया, यहां से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया, नीचे से 10 सेंटीमीटर डिस्कस लिया, और जहां पर भी ये कट कर गए उस पे आपने पॉइंट ले लिया. और इस तरीके से आपने और आपके फ्रेंड ने दोनों ने बिल्कुल एक फिक्स्ड जगह पे पॉइंट को बना दिया. तो ये जो तरीका है ना बच्चे पॉइंट को डिनोट करने का, यही तरीका हम सीखने वाले ग्राफ पेपर के ऊपर, और यही चीजें हम सीखने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में.
तो चलो बच्चों, मैं अब आपको बताती हूँ कि ये वाला आइडिया कैसे आया और इस आइडिया को पहली बार किसको आया और किसने फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक कह सकती हूँ कि बेस है उसको जन्म दी। तो वो बच्चे थे रेने डिकार्ट। रेने डिकार्ट मैथमेटिशियन। इन्होंने क्या किया, इनको एक बार ये लेटे हुए थे और लेटे लेटे ना ये अपनी छत पे देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक फ्लाई ना, क्या मतलब लगा लो कि कोई कोई भी मतलब बच्चा, कोई भी छोटा सा जो है फ्लाई थी वो चल रही थी टाइल्स के ऊपर। तो इन्होंने देखा कि भाई ये तो ना थर्ड टाइल, इधर से थर्ड टाइल और साइड से फोर्थ टाइल पे जाके ये फ्लाई है। फिर वो फ्लाई किसी दूसरी पोजिशन पे चली गई, तो भी उन्होंने बता दिया कि फिफ्थ और सिक्स टाइल पे जाके वो फ्लाई है। तो यहाँ से इनको आइडिया आया कि अगर मैं फ्लाई की पोजीशन बता पा रहा हूँ प्लेन पे, तो मैं तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता सकता हूँ। और बच्चे वहीं से शुरुआत हुई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो ये बात है करीबन 1600 साल, 1600 की बात है। अभी देखो हम 21वीं 2021 में चल रहे हैं ना, और कितनी पुरानी बात है। तो उनको ये आइडिया लेटे लेटे आ गया कि कैसे मैं एक पेपर के ऊपर किसी पॉइंट की पोजीशन बता सकता हूँ। तो इन्हीं के ऑनर इन्होंने, क्योंकि इतना अच्छा आइडिया दिया, तो क्या किया गया कि इन्हीं के नाम से फिर यहीं से डेवलप हो गया अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बन गया बच्चा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यहीं से आ गए। कार्टेशियन सिस्टम्स जो है ना वो यहीं से आया इनके नाम से। अगर क्योंकि आप आगे पढ़ोगे बहुत जगह लिखा होगा कि इन्हीं को ऑनर करने के लिए कार्टेशियन सिस्टम दिया, फिर आप सोचोगे कार्टेशियन सिस्टम कैसे, उनका नाम तो रेने डिकार्ट था, तो ये जो उनका लास्ट नेम था ना, यहीं से अपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसका नाम कार्टेशियन सिस्टम पड़ा। अब आ जाते हैं बच्चों कि वो कार्टेशियन सिस्टम है क्या, तो उसके बारे में बताती हूँ। नंबर लाइन के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा है ना, क्लास 8th में भी आता है, क्लास 7th में भी आता है नंबर लाइन। क्या होता है नंबर लाइन बच्चे, कि आपने एक पॉइंट लिया से एक लाइन ली, एक एरो है जो आगे भी बहुत दूर तक बढ़ती चली जाती है, पीछे भी चली जाती है, उसका कोई एंड ही नहीं है, वो इन्फिनिटी पे जाकर रुकती है, इन्फिनिटी कभी अटेन ही नहीं हो सकता, मतलब वो लाइन चले जा रही है। तो हमने उसका एक बीच का पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट ले लिया, और उस मिड पॉइंट को हमने नाम दे दिया जीरो। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे दिया बच्चे, जीरो। अब क्या किया, जीरो की राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स ले लिए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अच्छा आप बच्चों, आपको पता है कि जब भी आप कोई सीक्वेंस लिखते हो तो यू ऑलवेज पुट 3 डॉट्स। किसी भी बुक में चेक करना सिर्फ 3 डॉट्स ही होते, 3 से ज्यादा नहीं होते कि ऐसे ऐसे कुछ भी पीछे लगाते चले जाओगे, ऐसे नहीं होता बच्चे, सिर्फ 3 डॉट्स होते, क्योंकि इन 3 डॉट्स का मतलब होता है, इन 3 डॉट्स का मतलब होता है एंड सो ऑन, है ना। आपको पता थी पहले ये बात, नहीं पता थी ना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें और मैथ्स की बिल्कुल गहराई वाली बातें मैं आपको बताने वाली। तो चलो बच्चा, अब टॉपिक से भटकते नहीं है, अब आ जाते हैं। उन्होंने क्या किया, जीरो की दूसरी तरफ रख दिए सारे नेगेटिव नंबर्स, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स और एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर, ये जो लाइन मिल गई ना बच्चे, इनको उन्होंने बोला नंबर लाइन। क्या बोला इसको उन्होंने, नंबर लाइन। तो कोऑर्डिनेट जो हमारा सिस्टम है ना, उसमें क्या है, ऐसी 2 नंबर लाइन्स होती है। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, ऐसी 2 नंबर लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लाइन वही रहेगी नंबर लाइन, 0 इधर और इस साइड हमारे 1 2 3 सो ऑन, और इस साइड हमारे नेगेटिव वाले नंबर। और एक उन्होंने ले ली वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में भी बीच में 0 था, ऊपर वाले नंबर प्लस के ले लिए और नीचे वाले नंबर ले लिए माइनस के, और इन दोनों लाइंस को लाके कट कर दिया 90 डिग्री पर। कितने पर कट कर दिया बच्चे, 90 डिग्री पर, इस तरीके से कि दोनों को 0 एक ही पॉइंट पर टच हो जाए। इस लाइन का भी 0 यही है और इस लाइन का भी 0 यही है। इसके ऊपर उन्होंने, इसके ऊपर पॉजिटिव नंबर्स थे, ये वाली लाइन को इन्होंने बच्चे इधर शिफ्ट कर दिया, इस तरीके से कि जो दोनों लाइंस है ना वो 90 डिग्री पर कट करे। तो ये जो अब सिस्टम मिल गया, 2 नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हुए, इस तरीके से कि दोनों का 0 एक ही जगह कॉन्साइड हो जाए, इस सिस्टम को नाम दिया गया कार्टेशियन सिस्टम। और इसी सिस्टम की हेल्प से हम पॉइंट्स को प्लेन में बता सकते हैं कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है।
अगर बच्चों आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि पॉइंट कोई भी फिगर नहीं होती, पॉइंट कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, पॉइंट का कोई शेप या साइज नहीं होता, पॉइंट होता है एक लोकेशन, पॉइंट सिर्फ आपको एक लोकेशन बताता है। तो यहीं से कार्टेशियन सिस्टम की शुरुआत हुई और यहीं से लोकेशन बताने की शुरुआत की गई। अब आ जाते बच्चे, ये तो हो गया कार्टेशियन सिस्टम। अब इन्होंने क्या किया, ये जो कार्टेशियन सिस्टम था, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, ये था अपना कार्टेशियन सिस्टम बच्चा, कि दो लाइंस, दो नंबर लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं एट पॉइंट जीरो, इस जीरो पॉइंट को बोलते हैं बच्चा ओरिजिन। इस जीरो पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन क्यों भाई, जीरो ही शुरुआत होती है, दोनों लाइनों की शुरुआत हो रही है जीरो से, तो ये दोनों लाइनों का हो गया ओरिजिन, तो इस फॉर्म ने बोल दिया ओरिजिन। ये 1 2 3 एंड सो ऑन, ये ऊपर भी पॉजिटिव वाले नंबर, इसमें नीचे नेगेटिव वाले थे, और इस नंबर लाइन में तो आपको पता ही है कि राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों एक पहली बात तो ये कि ये जो लाइन थी ना, इसको उन्होंने बोला एक्स एक्सिस। क्या बोला बच्चे, एक्स एक्सिस, ये पूरा एक्स एक्सिस है, लेकिन इस एक्स एक्सिस को भी उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कि जीरो से ये पॉजिटिव नंबर वाला एक्स एक्सिस और जीरो से नेगेटिव वाले को एक्स डैश एक्सिस भी बोल देते हैं। ऐसे ही ये जो नंबर है पॉजिटिव वाले वर्टिकल लाइन में, इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं, और जीरो से ये जो नेगेटिव की तरफ लाइन जा रही है इसको बोल देते हैं वाई डैश। तो क्या मिल गया बच्चा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस, इतना मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर ये जो दो लाइनें हैं, सपोज ये मेरा पेपर है पूरा, मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा पूरा पेपर है, एक कॉपी का पेपर है, एक नोटबुक का पेपर या कोई प्लेन है, इससे मैंने दो लाइन ड्रॉ कर दी, एक ये वाली लाइन हो गई, एक ये वाली लाइन हो गई, पॉइंट ओ पर ये कट कर रही है और ऐसे चलती चली जा रही है। तो अब ये बताओ मुझे बच्चे कि ये जो पूरा पेपर है ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, क्या कह रहे हो बच्चे, चार पार्ट्स में। बिल्कुल सही कहा, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट जो ये पूरा का पूरा बन रहा है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, चार पार्ट में डिवाइड हो। बेटा किसी चीज के आप चार हिस्से करोगे, एक हिस्से को हम क्या बोल देते हैं, क्वाड, है ना। तो वहीं से इजाद हुआ क्वाड्रेंट सिस्टम का। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है कि ये जो दो लाइंस होती हैं ये पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये जो पार्ट है यहां से शुरू करेंगे नंबर देना, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे चलते चले जाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये हैं बच्चे क्वाड्रेंट। ये है पहला क्वाड्रेंट, मतलब पहला चौथाई हिस्सा। ये है दूसरा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये है बच्चे क्वाड्रेंट्स। तो ये जो दो हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम है, ये पूरे के पूरे पेपर को, या पेपर की जगह मैं कहूँ प्लेन, अगर मैं एक दीवार ले लूँ, उस दीवार पर दो लाइनें खींच दूँ जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं और जीरो पे मिलती हैं, तो पूरी दीवार के भी चार पार्ट में वो डिवाइड कर देगी। ये वाला पार्ट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हिस्सा होगा बच्चे सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला पार्ट हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये वाला पार्ट होगा बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी चीजें समझ में आई, बस इतनी चीजें समझ आ गई तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये नहीं क्वाड्रेंट की कहानी है जो बच्चे हम पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज और बच्चे, वो क्या, जो क्वाड्रेंट्स हैं, एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखती हूँ ताकि हम जो है, हाँ अब देखो बच्चे, अब हम क्या करने वाले हैं। मैंने क्वाड्रेंट आपको बताया कि जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम है ये रहा, कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करेंगे, दो लाइन खींची जो एक दूसरे को 90 पे कट करती है, ये पॉइंट है ओ मतलब ओरिजिन, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, ये है एक्स डैश एक्सिस एंड दिस इज बच्चों वाई डैश एक्सिस। ये नंबर लाइन है तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इसी तरीके से चलते चले जाएंगे,
इस साइड मिलने वाले हैं सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, ऊपर मिलने वाले हैं सारे पॉजिटिव और नीचे मिलने वाले हैं सारे के सारे नेगेटिव। अब देखो बच्चे, मैं ये कहूँ आपसे, चलो आप कुछ पॉइंट्स को डिनोट करके देखते हैं, कुछ पॉइंट्स की लोकेशन बताते हैं, तो वो देखो जरा ध्यान से कैसे देखते हैं। मैं कहूँ बच्चे कि 5 डिस्टेंस बताओ, एक्स एक्सिस का 5 डिस्टेंस कहाँ है? देखो ओरिजिन से शुरू करेंगे, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ओरिजिन से जाएंगे तो ये 5 डिस्टेंस हुआ, हुआ ना? तो आप कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस नाप रहे हो? वाई एक्सिस से लेकर जा रहे हो कहाँ तक? जहां पर एक्स एक्सिस का वो नंबर है वहां। तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस नापने के लिए आप वाई से मूव करते हो, और ऐसे ही वाई एक्सिस का डिस्टेंस नापोगे तो एक्स से चलते चले जाओ। ये दो भी सिंपल से। अब आ जाओ बच्चा, अब क्योंकि ये दो लाइन है तो हमेशा कोई पॉइंट की पोजीशन जो है ना दो नंबर से बताई जाएगी। जैसे कि अगर मैंने ये पॉइंट ले लिया है, सपोज ये पॉइंट मैंने ले लिया, ये पॉइंट है, मैं कहूँ बच्चों इस पॉइंट की पोजीशन बताओ, तो क्या करोगे आप? देखोगे कि इस लाइन से कितनी दूर है और इस लाइन से कितनी दूर है। तो बच्चे इस पॉइंट को बताने के लिए हमेशा पहले लिखना कि एक्स एक्सिस से कितनी दूर है। तो एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये बच्चे, कितना है ये डिस्टेंस? 4 है ना, एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है? 4। वाई एक्सिस का कितना पॉइंट है? 3। तो इस पॉइंट की लोकेशन हो गई 4,3। हमेशा जो पहला नंबर है वो एक्स एक्सिस का नंबर बता होगा, और जो दूसरा नंबर है वो होगा बच्चे वाई एक्सिस। तो समझ में आ गया 4,3 कैसे लिखोगे? 4 का मतलब है कि एक्स से 4 डिस्टेंस, 3 का मतलब है वाई से 3 डिस्टेंस। अगर मैं कहूँ बच्चे अभी मुझे -2,4 बताओ, तो क्या करोगे? पहला नंबर एक्स का है, दूसरा नंबर वाई का है, तो शुरू करते हैं। चलो एक्स है -2, कहाँ है एक्स -2? ये रहा। वाई है बच्चे 4, वाई 4 कहाँ है? ये रहा। तो आप चले जाओ एक्स से 2 और वाई से 4, और जहां पर ये दोनों पॉइंट मिल जाए वो आपका पॉइंट हो जाएगा -2,4। इतनी बातें समझ में आई बच्चे? तो ये जो नंबर है ना, इस ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गई पॉइंट की पोजीशन। ये जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, क्या है बच्चा? एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सीसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सीसा या एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली जो सेकेंड नंबर है बच्चों, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। क्या होता है ये? वाई कोऑर्डिनेट। और इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, सिर्फ ऑर्डिनेट। तो अगर कोई कहे एब्सीसा या ऑर्डिनेट, तो समझ जाओ एब्सीसा का मतलब है एक्स से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स का मतलब एक्स पॉइंट कितना है, और वाई ऑर्डिनेट बोल दे तो मतलब वाई पॉइंट पे कितना है। तो अगर कोई भी पॉइंट लिखा होगा, दो वैल्यू लिखी होंगी, पहली वैल्यू हमेशा एक्स डिस्टेंस बताएगी और दूसरी वैल्यू हमेशा वाई डिस्टेंस बताएगी। इतनी बातें समझ में आई? नंबर लाइन समझ में आया? कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? दो नंबर लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती है एट द पॉइंट ओरिजिन। फिर हम एक्स की वैल्यू को हमेशा आगे लिखते हैं, वाई की वैल्यू को हमेशा पीछे लिखते हैं, और पॉइंट की पोजिशन भी इसी तरीके से बताते हैं। तो अभी हमने जितनी भी चीजें सीखी हैं उस पे बेस्ड अप करेंगे क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है बच्चे, कुछ पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको, जैसे 5,0, 0,5। इन पॉइंट्स को हमें लोकेट करना है, इनकी पोजीशन बतानी है कहाँ पर? कार्टेशियन प्लेन पर। तो पहले बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइंस लेंगे जो एक दूसरे को 0 पर कट करती हैं। यहाँ पर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये है मेरा एक्स एक्सिस। इस तरफ नेगेटिव में नंबर लेंगे -1, -2, -3, -4 एंड -5। सिमिलरली इधर भी बच्चों 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये है वाई एक्सिस। और नीचे बच्चों -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो सबसे पहले हमने अपना कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर लिया। अब आ जाओ पहला पॉइंट जिसको ड्रॉ करना है, 5,0।
इसका क्या मतलब है बच्चों? एक्स है 5, वाई है 0। वाई 0 का मतलब है वाई से हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, वाई 0 ये रहा, ये वाई 0 है। और एक्स 5 कहाँ है बच्चा? ये एक्स 5 है। तो वाई 0 और एक्स 5 कहाँ जाके मिल रहा है? यहाँ पे जाके मिल रहा है। तो ये आपका पॉइंट हो गया 5,0। या सिंपल टर्म्स में आप ऐसे भी समझ सकते हो, y इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि y है ही नहीं, कोई चीज 0 इसका मतलब क्या है, वो चीज है ही नहीं। तो 0.5,0 का मतलब हुआ कि सिर्फ x, जहां पर x 5 है ना, वहां पे जाके पॉइंट लगा। ऐसे ही बच्चों अगर मैं कहूं 0,5 तो वो क्या होगा? पहला पॉइंट हमेशा x का होता है, दूसरा पॉइंट नंबर हमेशा y का होता है। x 0 हो गया मतलब x तो है ही नहीं, x खत्म है। y 5 लगाना है, तो y 5 किधर है? ये रहा y 5। तो ये पॉइंट मेरा हो गया बच्चे 0,5, और ये पॉइंट था 5,0। तो दो पॉइंट ड्रॉ हो गए। सबको समझ में आया? पहला नंबर हमेशा x का लगाएंगे, दूसरा नंबर हमेशा y का। अब ड्रॉ करते हैं बच्चे तीसरा पॉइंट, 2,5। ये रहा देखो 2,5, एक्स है 2 और वाई है 5। तो बच्चे एक्स रहा 2, ये रहा वाई 5, ये रहा। लेके जाओ दोनों को, एक्स 2 ये जाता जा रहा है और वाई 5 ये रहा, और दोनों आके मिल गए यहाँ पर। तो ये हो गया 2,5। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। अब आ जाओ 5,2। 5,2 का क्या मतलब है? एक्स है 5, वाई है 2। तो एक्स 5 चलते चले जाओ और वाई 2 चलते चले जाओ, और दोनों जहां पर मिलेंगे वो पॉइंट हो गया 5,2। थर्ड पॉइंट देखो बच्चे, -3,5। पहला नंबर हमेशा एक्स का, तो एक्स कितना है? -3, और वाई है 5। एक्स -3 किधर है? ये रहा एक्स -3, वाई 5 ये रहा। दोनों को लेके आओ, एक्स -3 चलता चला जा रहा है और इधर से आ गया है वाई 5। तो ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट बन गया -3,5। ऐसे ही बच्चों दूसरा पॉइंट है -3,-5, दोनों माइनस के बच्चे, दोनों माइनस के। तो यहां से एक्स है -3, ये रहा एक्स -3, ये -3 एक्स, ये आ रहा वाई है -5, तो ये है -5। तो ये पॉइंट हो गया बच्चे -3,-5। अब पॉइंट बचा 5,-3। एक्स है 5, ये रहा 5, वाई है -3, ये आया -3। तो ये पॉइंट बन गया 5,-3। अच्छा, इन पॉइंट्स के आप नाम दे सकते हो। ये सपोज पॉइंट ए है, ये सपोज पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ और ये पॉइंट जी। एक और बचा है 6,1। तो बच्चा ये आपका है होमवर्क, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना और फिर बताना कि 6,1 कहाँ पे लगेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज बच्चे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपसे बताना चाहूंगी, वो क्या कि जो क्वाड्रेंट है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये था मेरा बच्चे 0 पॉइंट, ये 1, सॉरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, अभी ठीक है। ये बच्चा पॉइंट था 0, ये 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, ये -1, -2, -3। बच्चे अगर आप इधर देखोगे तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, x भी और y। अब जो बच्चे सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? x की वैल्यू होती है नेगेटिव, y की वैल्यू होती है पॉजिटिव, है ना। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में x की भी नेगेटिव और y की भी नेगेटिव, एक्स की भी नेगेटिव और वाई की भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चे एक्स है पॉजिटिव,
लेकिन वाई की वैल्यूज है नेगेटिव। तो आपकी बुक में आपको ये वाला क्वाड्रेंट डायग्राम भी बना हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो सिर्फ बता रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है। ठीक है, क्या करना है आज अपने पहले, सबसे पहले जाके क्वाड्रेंट बना के देखने, नंबर लाइन कार्टेशियन सिस्टम बनाना है, क्वाड्रेंट बताने कौन सा फर्स्ट, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, कौन सा फोर्थ, फिर पॉइंट लोकेट करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बच्चा, कंफ्यूज हो जाओगे, और कई बार 5.2 को 2.5 प्लॉट कर दोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि 5 कौन सा लें। तो हमेशा ध्यान रखना, पहला नंबर होगा एक्स का, दूसरा नंबर होगा वाई का। तो एक बार और चीजें क्लियर कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर बच्चों, ये हम साथ में कर सकते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ बच्चे, लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में और भी जरूर लिख के बताना, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, कौन सी चीजें आपको समझ नहीं आई है ना। तो चलो सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई, एंड वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। देखो ये जो मैंने आपको अभी बताया ना, प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होंगे, कौन से क्वाड्रेंट में एक्स प्लस होगा, कौन से क्वाड्रेंट में वाई प्लस होगा, इनका यूज होगा। अब पहले आपको आंसर लिखना है और फिर वेरीफाई करना है कि वो उसी क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। जैसे कि इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई, -2.4 बताना है, 3.-1 बताना है, -1.0 बताना है, 1.2 एंड -3.5 ये बताने हैं बच्चे। इन विच क्वाड्रेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, और उसके बाद में वेरीफाई करना। वेरीफाई अभी नीचे वाली स्लाइड में कराऊंगी, पहले यहां पे बताते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, यहां पर एक्स भी पॉजिटिव था, वाई भी पॉजिटिव था, इधर एक्स नेगेटिव था लेकिन वाई पॉजिटिव था, इधर एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव थे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव था लेकिन वाई नेगेटिव था। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट था बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो ये एक्स है नेगेटिव, वाई है पॉजिटिव, एक्स है नेगेटिव, वाई है पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट बच्चे, सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना आसान। ये देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स है नेगेटिव, वाई है 0, एक्स है -1, यहां मिलेगा -1, वाई है ही नहीं, तो कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस भी लिख सकते हो या एक्स डैश एक्सिस भी लिख सकते हो। 1.2, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -3 एंड -5 दोनों माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैं आपको एक बात बताऊं, खुश हो जाओ, आपको पता है यही चीजें ना एक बार 11th में भी समझाई जाती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है। लेकिन अगर आपने ये चीज 9th में ही सीख ली ना, तो जब आप वहां जाओगे, आपकी मैम जैसे पूछेगी ना क्वाड्रेंट क्या होते हैं, आपको तो सारा बताओ, मैम कहेगी ये बच्चा बहुत ज्यादा स्मार्ट है, देखो इसको 9th के कॉन्सेप्ट याद है। तो इसलिए बच्चे मैथ्स में तो आप ना जितना ज्यादा अभी सीखते चलोगे ना, आगे की लाइफ उतना ही आसान होने वाली है। समझ में आया कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, क्यों इसको कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, कैसे एक पॉइंट की लोकेशन आप बता सकते हो, पेपर पे भी, एक दीवार पे भी बता सकते हो, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप प्लेन उड़ाओगे उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होती है, हर चीज की लोकेशन, जो रडार होते हैं लोकेशन बताते हैं, जो प्रोजेक्टाइल जाता है, जो बॉम्ब गिरता है, सब में लोकेशंस होती है, सब में कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, सब के कोऑर्डिनेट बताए जाते हैं। तो जहाँ पे भी पोजिशन आ गई ना, ये तो रामबाण है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, कमेंट्स में बता के लिख के बताना कि कितना आसान लगा ये चैप्टर। तो ये बच्चे आज का हमारा हो गया कार्टेशियन सिस्टम। आई होप आप लोगों को ये पढ़ने में मजा आया और समझ में आया, तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताना बच्चों, आगे और भी चैप्टर कवर करने वाले हैं, और इतनी जल्दी और इतनी आसानी से। ठीक है, तो
तो जिन बच्चों ने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं पता, उनके फीचर्स के बारे में नहीं पता है, उनको एक बार बच्चे बताना चाहूंगी। ये क्या है कि आप अपने घर पे बैठ के ना सारी चीजें सीख सकते हो, किसी भी टाइम सीख सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बच्चों आपको पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। आपको कोई भी कोर्स देखना हो, आप वो कोर्स किसी भी टाइम देख सकते हो। आपके डेली टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे बच्चों, स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये सारी चीजें होने वाली है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पर। और ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स है बच्चों, ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। क्लास 9, 10, 11, 12 के जो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान है बच्चों, वो 3 महीने का जैसे है, आप 3 महीने का ले सकते हो, या तो आप एक साथ पे कर सकते हो, या एक बार में 1 महीने का पे कर सकते हो, फिर दूसरे महीने का, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे ले सकते हो। पर मंथ जैसे 1 महीने का 2500 कुछ पड़ रहा है, और 3 महीने का 7500 पड़ रहा है। 6 मंथ का लेते हो तो 33% ऑफ है, 12 मंथ्स का लेते हो तो 50% ऑफ है ना। तो इस तरीके से ये प्लान है, तो आपको बच्चे जो भी प्लान अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। और दूसरी बात बच्चे, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो SAVITA, तो आपको मिलता है 10% ऑफ है ना। तो ये 10% ऑफ लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो SAVITA, और फिर आपका जो भी प्लान आपको अच्छा लगे वो प्लान ले सकते हो विद एक्स्ट्रा 10%। वो बच्चा प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था मैंने आपको। अब मैं आपको बता दूं कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ना, उसमें 6 एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। प्लस में जो चीज़ें वो तो मिलेंगी मिलेंगी, इसके साथ अगर आपको अपना पर्सनल मेंटोर चाहिए जो आपको बताए, पर्सनली आपका चीज़ें गाइड करे, या आपके पेरेंट्स कनेक्ट होना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं कब तक सिलेबस होगा, क्या क्या चीज़ें आगे करवाने वाले हैं, तो आपके पेरेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं। आपका वीकली प्लान बताए, वीकली रिपोर्ट दी जाती है कि इस हफ्ते आपने कितनी पढ़ाई की। लाइव डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट, आप उसी टाइम ऐप पे जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। स्टडी प्लानर मिलता है कि कैसे स्टडी करनी है, आपको इस महीने कैसे पढ़ना, अभी पेपर आने वाले तो कैसे पढ़ना है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पर बच्चों। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की डिटेल्स फिर से आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप देखो 6 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ का लेते हो, तो उतना ही आपको डिस्काउंट मिलता है, 40%, 29%, 50%। और कोड यूज करोगे SAVITA तो उसमें तो फिर से आपको 10% ऑफ मिलना है। तो बच्चे जो भी आपको प्लान अच्छा लगे आप वो प्लान ले सकते हो, और फिर हमारे साथ पढ़ सकते हो। और यस, इस वीडियो को जरूर बताना कि कैसी लगी, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे जरूर फॉलो करो, है ना। तो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से मेरे साथ। एक चीज मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, वो क्या, द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर मैथ सीखना है ना, तो मैथमेटिक्स को जितना कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, उतनी करो। तो इसी कोट के साथ बच्चा आज का सेशन खत्म करते हैं, लेट्स क्रैक इट।